गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में 29 जुलाई के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, वेयर वॉज द फोर्थ मीटिंग ऑफ द बिम्स्टेक सिक्योरिटी चीफ्स हेल्ड। ये मीटिंग नापिदो म्यांमार की जो कैपिटल है वहाँ पर हुई थी, बिम्स्टेक सिक्योरिटी चीफ्स की मीटिंग। और इंडिया को इसमें रिप्रेजेंट किया था हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोभाल ने। सिक्योरिटी चीफ्स ऑफ इंडिया, म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड, इन सब ने मिलकर जो भी इश्यूज़ हैं बे ऑफ बंगाल रीजन के उनको डिस्कस किया। बिम्स्टेक की बात कर लेते हैं, 1997 में इस्टेब्लिश हुआ था एज अ रीजनल ग्रुप टू प्रमोट कोऑपरेशन अमंग द लिटोरल स्टेट्स ऑफ द बे ऑफ बंगाल रीजन। 7 मेंबर कंट्रीज हैं, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, थाईलैंड और म्यांमार। हेडक्वार्टर है इसका ढाका, बांग्लादेश में। म्यांमार की बात करें तो इससे पहले बर्मा के नाम से जाना जाता था। साउथ ईस्ट एशिया का पार्ट है ये, कभी ये ब्रिटिश इंडिया का पार्ट हुआ करता था और भारत से 1 अप्रैल 1937 में सेपरेट हुआ अंडर द प्रोविजंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ब्रिटेन से इसे 4 जनवरी 1948 में इंडिपेंडेंस मिली और इसे यूनियन ऑफ बर्मा के नाम से जाने लगा। फिर म्यांमार के रूप में इसका रीनेम हुआ 1989 में और इसकी कैपिटल यांगोन बनाई गई रंगून से, पहले रंगून थी फिर यांगोन बनाई गई। कैपिटल शिफ्ट की गई नापिदो में 2005 में। म्यांमार फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ इट्स इंडिपेंडेंट हिस्ट्री हैज़ बीन अंडर मिलिट्री रूल। प्राइम मिनिस्टर हैं यहाँ के जनरल मिन ऑंग लैंग और करेंसी है म्यांमार क्यात। रिसेंटली संतोष गंगवार हैज़ अपॉइंटेड द न्यू गवर्नर ऑफ विच स्टेट। ये झारखंड के नए गवर्नर के रूप में अपॉइंट हुए हैं सीपी राधाकृष्णन की जगह, और झारखंड के सीएम हैं हेमंत सोरेन। गवर्नर्स के लिए हमने अलग से एक वीडियो किया हुआ है तो वो भी आप जाकर देख सकते हैं। यहाँ कुछ नए गवर्नर्स अपॉइंट हुए हैं, जैसे ओपी माथुर सिक्किम के गवर्नर बने हैं, संतोष गंगवार झारखंड के, रमन डेका छत्तीसगढ़ के, हरिभाऊ किशन राव बागड़े राजस्थान के, जिष्णु देव वर्मा तेलंगाना के, सीएच विजय शंकर मेघालय के, सीपी राधाकृष्णन महाराष्ट्र के बन गए हैं जो पहले झारखंड के थे, गुलाब चंद कटारिया गवर्नर ऑफ पंजाब बने हैं और एडमिनिस्ट्रेटर चंडीगढ़ यूटी के, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य असम के गवर्नर बने हैं और इन्हें मणिपुर के गवर्नर का भी एडिशनल चार्ज मिला हुआ है। विच कंट्री हैज़ बिकम द चेयरमैन ऑफ द एशियन डिजास्टर प्रिपेयरनेस सेंटर फॉर 2024-25। ये देख रहे हैं इंडिया है जो चेयरमैनशिप जिसने संभाली है एशियन डिजास्टर प्रिपेयरनेस सेंटर की। चाइना से ये चेयरमैनशिप भारत ने ली है, ठीक है, लास्ट टाइम चाइना के पास थी, अभी भारत के पास है। इसके बारे में बात कर लेते हैं, इस सेंटर के बारे में। एशियन डिजास्टर प्रिपेयरनेस सेंटर 1986 में सेटअप किया गया था एज ए नॉन प्रॉफिट ऑटोनॉमस रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। ये रीजनल कोऑपरेशन को प्रमोट करता है इन इंप्लीमेंटिंग डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड बिल्डिंग क्लाइमेट रेजिलियंस इन एशिया एंड पैसिफिक रीजन। इट ऑल्सो सपोर्ट्स ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन क्लाइमेट रेजिलियंस एंड अर्बन रेजिलियंस, मेकिंग ह्यूमैनिटेरियन रिस्पॉन्स टू डिजास्टर्स मोर इफेक्टिव। फाउंडिंग मेंबर्स इसके चाइना, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, कंबोडिया, पाकिस्तान, फिलीपींस, श्रीलंका और थाईलैंड है, और हेडक्वार्टर है इसका बैंकॉक, थाईलैंड में। व्हेन इज वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे 2024 ऑब्जर्व्ड? इसे ऑब्जर्व करते हैं 28 जुलाई को, टू रेज अवेयरनेस एंड एनकरेज ग्लोबल एक्शन अगेंस्ट हेपेटाइटिस वायरल। थीम है इस बार की इट्स टाइम टू एक्ट। वर्ल्ड हेपेटाइटिस अलायंस 2007 में इस्टेब्लिश किया गया था, विच ऑर्गेनाइज द फर्स्ट कम्युनिटी ड्रिवन वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे इन 2008। 28 जुलाई को होता क्या है, तो ये बर्थ एनिवर्सरी है ऑफ नोबल प्राइज विनिंग साइंटिस्ट डॉक्टर बरूच ब्लूमबर्ग। 1967 में इनके द्वारा हेपेटाइटिस बी वायरस को डिस्कवर किया गया था और इन्होंने एक डायग्नोस्टिक टेस्ट डेवलप किया था और इस वायरस के लिए वैक्सीन डेवलप की थी। इनिशियली वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे 19 मई को ऑब्जर्व किया जाता था, फिर बाद में इसे 2010 में 28 जुलाई को शिफ्ट किया गया। यहाँ रिवीजन कर लेते हैं डेज का। 1 जुलाई जीएसटी डे, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे, थीम है इनोवेटिंग फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। 1 जुलाई को ही नेशनल पोस्टल वर्कर्स डे, नेशनल डॉक्टर्स डे। डॉक्टर्स डे की थीम है हीलिंग हैंड्स केयरिंग हार्ट्स। 2 जुलाई को वर्ल्ड यूएफओ डे और वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे। 3 जुलाई इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे। 4 जुलाई यूएसए इंडिपेंडेंस डे। 6 जुलाई वर्ल्ड जूनोसिस डे, इसकी थीम है वन वर्ल्ड वन हेल्थ प्रिवेंट जूनोसिस। 11 जुलाई को पॉपुलेशन डे, इसकी थीम है टू लीव नो वन बिहाइंड, काउंट एवरीवन। 15 जुलाई को वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे। 17 जुलाई को इंटरनेशनल जस्टिस डे, इसकी थीम है ओवरकमिंग बैरियर्स एंड अनलिशिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर सोशल जस्टिस। 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला डे, थीम है कम्बेटिंग पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी इज इन आवर हैंड्स। 20 जुलाई को वर्ल्ड चेस डे, थीम है चेस फॉर यूनिटी एंड पीस। 22 जुलाई को नेशनल फ्लैग डे, अ फ्लैग ऑफ फ्रीडम, इसकी थीम है। 22 जुलाई को ही बाई अप्रॉक्सीमेशन डे होता है। 23 जुलाई को नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे, इसकी थीम है एम्पावरिंग वॉइसेस सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी इन ब्रॉडकास्टिंग।
24 जुलाई को नेशनल इनकम टैक्स डे और 25 जुलाई को ड्रोनिंग प्रिवेंशन डे होता है। इसकी थीम है सेकेंड्स कैन सेव अ लाइफ। हु चेयर द 9th गवर्निंग काउंसिल मीटिंग ऑफ नीति आयोग, इसको चेयर किया है नरेंद्र मोदी ने। नीति आयोग के प्रेसिडेंट भी चेयरमैन भी यही होते हैं। द मीटिंग इज फोकस्ड ऑन मेकिंग इंडिया अ डेवलप्ड कंट्री। थीम इस बार की क्या है, विकसित भारत एट द रेट 2047। एम ऑफ द गवर्निंग काउंसिल मीटिंग इज टू फोस्टर पार्टिसिपेटिव गवर्नेंस एंड कोलैबोरेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। प्राइम मिनिस्टर नीति आयोग के चेयरपर्सन हैं, वाइस चेयरपर्सन है सुमन बेरी और नीति आयोग फॉर्म किया गया था यूनियन कैबिनेट के द्वारा 1 जनवरी 2015 में। हु हैज़ बीन कनकरेंटली एक्रेडिटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू द रिपब्लिक ऑफ यमन। यमन में भारत के एम्बेसडर के रूप में सुहेल एजाज खान को अपॉइंट किया गया है। यमन एक सॉवरन स्टेट है वेस्ट एशिया में, लोकेटेड इन द सदर्न अरेबियन पेनिनसुला। कैपिटल है यहाँ की सना, करेंसी है यमनी रियाल और ऑफिशियल लैंग्वेज है अरेबिक। यहाँ अपॉइंटमेंट्स देख लेते हैं। एम्बेसडर टू द यूनाइटेड स्टेट्स टू अमेरिका विनय मोहन क्वात्रा हैं। एम्बेसडर टू रशिया विनय कुमार। एम्बेसडर टू चाइना प्रदीप कुमार रावत। एम्बेसडर टू फ्रांस जावेद अशरफ। एम्बेसडर टू जर्मनी पर्वथानेनी हरीश। परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द यूएन अरिंदम बागची। हाई कमिश्नर टू द यूके विक्रम दुराईस्वामी। हाई कमिश्नर टू पाकिस्तान ये सीट जो है वेकेंट है 2020 से। हाई कमिश्नर टू श्रीलंका संतोष झा और हाई कमिश्नर टू बांग्लादेश प्रणय वर्मा हैं। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार विल द न्यू एम्स बी कंस्ट्रक्टेड, तो बिहार के दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में नया एम्स कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। ठीक है, तो बस इतना याद रखिएगा इसमें। विद विच एजेंसी इज इसरो कोलैबोरेटिंग ऑन द रामसेस प्रोजेक्ट टू स्टडी द एस्टेरॉयड एपोफिस। तो इसरो जो है ESA यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साथ कोलैबोरेट कर रहा है रामसेस प्रोजेक्ट पर टू स्टडी द 375 मीटर एस्टेरॉयड एपोफिस विच विल पास 32,000 किलोमीटर फ्रॉम अर्थ इन 2029। इस मिशन का एम है टू मॉनिटर एपोफिस क्लोजली टू अंडरस्टैंड पोटेंशियल अर्थ थ्रेट्स। रामसेस इज द नेम ऑफ द स्पेस क्राफ्ट दैट विल अप्रोच एस्टेरॉयड एपोफिस एंड क्लोजली फॉलो इट। इसरो की बात करें, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसके फुल फॉर्म है। सेटअप किया गया था 15 अगस्त 1969 में। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर आता है। इसके फाउंडर थे विक्रम साराभाई, हेडक्वार्टर बेंगलुरु में। चेयरमैन हैं अभी एस सोमनाथ। पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप 2024 विल बी हेल्ड इन विच कंट्री, ये होगा इंडिया में। इंडिया में भी हिमाचल प्रदेश में नवम्बर में, ठीक है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश में। 40 से 50 कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। हिमाचल पैराग्लाइडिंग फेस्टिवल विल ऑल्सो बी सेलिब्रेटेड एट बिरबिलिंग ड्यूरिंग द इवेंट। स्पोर्ट्स न्यूज़ देख लेते हैं। कुश मैनी भारत के, इन्होंने फर्स्ट फार्मूला 2 स्प्रिंट रेस जीती है हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स में। यूकी भाम्बरी इन पार्टनरशिप विद अल्बानो ओलिवेटियो फ्रांस, इन्होंने जीता है स्विस ओपन जी स्टैड मेन्स डबल्स टाइटल। सूर्य कुमार यादव कैप्टन है T20 टीम के। WSF वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में शौर्य बाबा ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स का टाइटल इंडिया ने जीता। कार्लोस अल्काराज और बारबोरा क्रिस्कोवा दोनों ने विंबलडन ओपन में सिंगल्स का टाइटल जीता है। अर्जेंटीना ने 16th कोपा अमेरिका फुटबॉल टाइटल जीता। स्पेनिश मेंस फुटबॉल टीम ने जीता है 4th UEFA यूरोपियन फुटबॉल चैंपियनशिप या फिर यूरो कप। ध्रुव सितवाला ने पंकज आडवाणी को हराकर जीता है 2024 का एशियन बिलियर्ड्स चैंपियनशिप। वेयर विल इंडियाज फर्स्ट इंटीग्रेटेड एग्री एक्सपोर्ट फैसिलिटी बी एस्टेब्लिश्ड, इसे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई में एस्टेब्लिश किया जाएगा। लॉजिस्टिक्स प्रोसेस को और ज़्यादा फास्ट बनाने में इसकी हेल्प होने वाली है। विच ऑफ द फॉलोइंग सुपर कंप्यूटर हैज़ टॉप्ड द 63rd एडिशन ऑफ द टॉप 500 लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर्स। ये है फ्रंटियर, कहाँ का है, USA का है, ठीक है। सेकेंड नंबर पर ऑरोरा नाम का है US का। फिर थर्ड पर ईगल, ये भी US का। फोर्थ पर है फुगाकू जापान का। और फिफ्थ नंबर पर लूमी है फिनलैंड का सुपर कंप्यूटर। ये टॉप 5 हैं। इंडिया के सुपर कंप्यूटर जो टॉप 500 में आते हैं, ये 110वें नंबर पर एरावत है, ये CDAC पुणे जो है वहाँ पर है। फिर 185th नंबर पर परम सिद्धि AI है, ये भी CDAC में। फिर 230th नंबर पर प्रत्यूष है भारत का, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी में। और 388th नंबर पर मिहिर सुपर कंप्यूटर है भारत का, जो कि नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्ट में इस्टेब्लिश्ड है। लास्ट में एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। डेविड लेमी इज़ द फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ विच कंट्री हु हैज़ विजिटेड इंडिया, ऑस्ट्रिया, चिले, ब्रिटेन या फिर बेलारूस। इसका आंसर बताएगा कमेंट में। और इसी के साथ वीडियो का होता है एंड। PDF प्राप्त करने के लिए आप इंडो पाठशाला ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।